मैंने आप लोग को बता ही दिया था, हेरिडिटी से थोड़ा बहुत तो अवेयर हो ही गए हैं आप लोग। तो सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है, आप डिफाइन, आप आए थे ना, आप तो आए थे हेरिडिटी वाले चैप्टर में, तो आते क्यों नहीं हो समय समय पर आपको? बेटे एडमिशन के बाद पढ़ा है, ये तो सबसे अभी लेटेस्ट चैप्टर ही तो चल रहा है। कब पढ़ाया बताओ बिना देखे, बताओ तू, बताने बिना देखे तो बोल। हेरिडिटी में एक दागेदार तो होता है जिसमें क्रोमोसोम। बस तुम्हारा ही दिमाग चल रहा है बेटे, सबका सो गया धागे जैसा, वो लिख के आओगे धागे जैसा। क्रोमोसोम है यार वो, एक न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए, क्रोमोसोम होता है, उसमें चिपका होता है डीएनए, बिल्कुल एक ब्रिड की तरह। और डीएनए के अंदर क्या होता है, वो प्रोटीन, जीन, जीन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसी के ऊपर पूरी की पूरी हेरिडिटी एग्जिस्ट करती है, पूरी की पूरी अनुवांशिकता जो है इसी चीज पे, क्रोमोसोम। हमारे हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर, लिविंग सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, ये थ्रेड टाइप का धागे जैसा होता है, इसके साथ ब्रेड के जैसा, अगर आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगाओगे एकदम बहुत ज्यादा बारीक देखने के लिए, तो आपको डीएनए दिखेगा, और जो कि ब्रेड की तरह इस पे धागे के पर चिपका हुआ रहता है। और इस डीएनए के अंदर, सॉरी, डीएनए के अंदर जीन होते हैं अलग अलग टाइप के, और हर एक जीन एक तरह का गुण पैदा करता है। आपके बाल आपके पापा की तरह ब्राउन होंगे, अगर अमेरिका अमेरिकन किसी बच्चे की बात करें तो गोल्डन होंगे या ब्लैक होंगे या ब्राउन होंगे, कैसे होंगे वो उसके पेरेंट्स से जो जीन गया वो डिसाइड करेगा। आपके आंखों का कलर ब्राउन है, गेहुआ कलर है, बादामी कलर है, या क्या कहते हैं नीले कलर का है, कैसा है, ये सब कुछ एक वो जीन होगा। आपका सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीन, डीएनए, डीएनए के अंदर एक जीन, बहुत सारे जीन होंगे। तो डीएनए के अंदर जो बहुत सारे जीन होंगे, एक जीन ये डिसाइड करेगा कि आपके आयरिस का कलर क्या होगा। आयरिस का नहीं, जो ये दिखता है ना कलर, वो आयरिस उसको कहते हैं इंग्लिश में। टोटल जीन क्रोमोसोम 23 जोड़ी होता है, 23 पेयर्स, ठीक है। सबसे अधिक जो जोड़ी ऑफ क्रोमोसोम, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, प्लांट एज वेल एज एनिमल, पिजन, कबूतर के अंदर सबसे अधिक पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। मान लो किसी की आंख खराब है तो उसके जीन से कुछ जरूरी नहीं है, हर चीज जेनेटिक नहीं होता, ठीक है। लेकिन अधिकतर चीज, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, अगर आपके दादा दादी को अगर डायबिटीज है ना, तो खतरा होता है। अगर आपके पापा हैं, दादा दादी भी हैं, तो समझिए कि जेनेटिकली आ रहा है, समझ रहे बात को ना। ये हेरिडिटी में आता है, आपके पापा की शक्ल आपके दादा से मिलती थी और आपकी शक्ल आपके पापा से मिलती है, फिर आपके आगे जाके जनरेशन जो हो सकता है आपसे, आपके जो भी क्या कहते हैं फैमिली होगी उसके से मिलेगी। तो ये सब जीन, डीन पे और जीएनए पे डिपेंड करता है। हम लोग डीएनए नहीं बोलेंगे, जीन बोलेंगे, क्योंकि हम लोग बड़े क्लास में चले। और हर जीन या पूरा डीएनए जो भी मटेरियल है वो पूरा का पूरा प्रोटीन का बना होता है। अगर हमें पता चल गया कि आप चाहते हो, आप मान लो टेस्ला कंपनी के मालिक हो, मान लो मजा भी आ रहा होगा सुन के, एलोन मस्क बनिए अपने आपको, पैसा इतना हो, आप चाहते हैं कि मेरे मेरी आईज का कलर ब्राउन है लेकिन मेरे बालकों के आईज का कलर है ना क्या हो, वो ब्लू, ब्लू आईज का कलर चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, डीएनए इंजीनियरिंग करा सकते हैं, अपने डीएनए में वो चेंज करा सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन में वो प्रोटीन को खोजिए कि किस जीन के अंदर, एक जीन है, जीन के अंदर बहुत सारा प्रोटीन होगा, एक जीन के एक प्रोटीन को निकालेंगे और देखेंगे ये प्रोटीन निकाला और देखा सैंपल, क्या इसके चलते ही ब्लू है, नहीं इससे कोई मतलब नहीं, फिर दूसरा जीन देखा उसका प्रोटीन देखा, तो जीन फाइंड आउट करेंगे, स्पेसिफिक डीन जीन कि किस जीन के कारण इस बच्चे का या हमारा आईज का कलर ब्लू है, वो पता चल गया, साइंटिस्ट पता लगा सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस, उसमें मिलियंस ऑफ जो जीन्स होते हैं ना, जितने भी होंगे सबको फिगर आउट करना पड़ता है सारे प्रोटीन को, तब जाके पता चलता है। आपको टेस्ला इसलिए तो बनाया है, इसलिए आप पैसे कैसे पूछ सकते हैं, आप एलोन मस्क हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, आपको क्या कहते हैं ना कि उसको क्या कहते हैं, बायो
एक सेकेंड, बायो इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। इंजीनियरिंग का अलग अलग फील्ड होता है, जैसे आप आईआईटी करना चाहते हैं, मैंने आईआईटी मतलब कि कोई मैकेनिक में जाना चाहता है, ठीक है ना, कोई क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बायो इंजीनियर बनना चाहता है, तो वो बायो इंजीनियर जो बनेगा वो बायोलॉजी में चला जाता है और वो जाकर के वो डीएनए बनने का काम करेगा। पता है वैज्ञानिक क्यों क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि ना पाए, रुतबा ही नहीं, कोई जानता ही नहीं। अब जाके बोलोगे गांव में, मैंने डीएनए देखा ऐसा होता है, मैंने डीएनए में ऐसे से लग गया, पता बोले ए हट चपरासी लगाया अगले का प्यून 12 लाख दहेज में गया है इंजीनियर, पता नहीं क्या फालतू फालतू बोलता है, कहेंगे ना पांडे का लड़का पागल हो गया रे। चलिए आगे देखते, द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन बता दिया था, एक इंसान से दूसरे इंसान के जो भी गुण, सकल, रूप, रंग, आवाज, बालों का कलर, शरीर का डील डॉल, जो भी है, जो भी एक आदमी से दूसरे का अलग दिखता है उसी को वेरिएशन कहते हैं, और ये उसके जीन्स के कारण, डीएनए के कारण होता है। कोई आदमी 6 फीट लंबा है क्योंकि उसके पेरेंट्स के जीन में ऐसी खासियत थी कि उससे हाइट बढ़ती थी। बिल्कुल, चाइनीज लोग कभी बड़े नहीं होते क्योंकि चाइनीज लोग, मंगोलाइड जो एक नस्ल है, मंगोलाइड नस्ल पूरी आती है, उनमें किसी की भी जीन में ऐसी खासियत नहीं होती क्यों। लेकिन मैं आपको बताऊं, अमेरिका में कुछ ऐसे हैं चाइनीज जिनकी हाइट 7-7 फुट तक है, वो क्यों, क्योंकि उनके मदर और पेरेंट्स का जो जीन था ना, वहां उसमें क्या कहते हैं क्रॉस हुआ, उससे क्या हो गया कि अब वहां पर उनको, अगर मान लीजिए मदर अमेरिकन है या मदर चाइनीज है, फादर अमेरिकन है, कुछ भी हो सकता है, तो जो डोमिनेंट जीन होगा उसी की, उसी, अगर मान लीजिए मदर की जीन, अगर मदर चाइनीज नहीं है, मदर अमेरिकन है और डोमिनेंट जीन मदर का है, मतलब वो ज्यादा प्रभाव दिखा रहा है, तो बच्चा मदर की जैसे हाइट का होगा। अगर फादर का जीन डोमिनेंट है तो फादर की हाइट का होगा, समझ रहे हैं ना, इस तरह से। सर, अमेरिका के लोगों की हाइट ज्यादा होती है। हाँ बिल्कुल, 6 फुट तो नॉर्मल है वहां पर तो। हाँ, यूरोप में और भी ज्यादा है हाइट की। इन मोस्ट ऑफ द पीपल, ये एयर बोल रहा तो बता दिया था, ये क्यों करवा रहे हो आप, आगे चलते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन देखते हैं, मैं बताऊं पेज नंबर आप लोग को 179। सर ये हो गया, बताइए बताइए कहाँ चले हम, ये आगे भी होगा, डोमिनेंट रिसेसिव जीन होगा, जी 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 ठीक कर रहे हैं आप। हाँ, मटर का उन्होंने किया था जो, बिल्कुल दिमाग का मेहनत से होता है, विश्वास करिए मेरा, पहले से नहीं होता ये तो मैं मानता ही नहीं, क्योंकि मेरा पहले से नहीं था। चाणक्य की बात कर, कौटिल्य, देखिए ब्रेन का, ब्रेन के ऊपर भी असर होता है, लेकिन है ना, ब्रेन एक ऐसा चीज है ना जो दिखने वाला चीज नहीं, जेनेटिक चीजें वही होती है ना जो फिगर आउट होती है सामने से, ब्रेन एक है ना अनुभव करने का, एक अलग टाइप का कैलकुलेशन है, तो डिपेंड करता है उसमें बहुत सारी चीजें, वो आप इससे ये नहीं बता सकते कि मदर की तरह इंटेलिजेंट है और फादर की तरह बेवकूफ है, या फादर की तरह इंटेलिजेंट है मदर की तरह बेवकूफ, ऐसा आप नहीं फिगर आउट कर सकते। घर में है ना कुकर, घर में कुकर की सीटी नहीं बजेगी, घर में बॉम्ब बजेंगे। बेटा दिमाग का नहीं होता, जेनेटिकली दिमाग का है ना, क्योंकि मैं आपको बताऊं आपके क्वेश्चन का जो साइंटिफिक आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग ब्रेन के बारे में हमारा साइंस जानता ही बहुत कम है, हम लोग अभी बस ये पता लगा पाए हैं कि ब्रेन के किस हिस्से से इंसान काम क्या करता है, और ये भी एक अनुमान है। टंग देखते हैं ना, टंग, हम लोग अपनी जीभ, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते थे कि आगे से पीछे से साइड से है ना अलग अलग टेस्ट आता है, लेकिन अब साइंस इसको झुटला देता है, बल्कि ऐसा होता ही नहीं, ये पुरानी बुक में होता था और अब नई बुक में आ गया है कि ऐसा नहीं होता, ये गलत चीज। टेस्ट जी नहीं, मैं बता रहा हूँ, पता है इसीलिए आपको छेड़ा है, बता रहे हैं आपको। इसमें क्या होता है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, हमारा जो ब्रेन का हिस्सा होता है, वो ब्रेन ही इस चीज को फिगर आउट करता है कि आपने जो खाया उसका टेस्ट क्या है ना, आपका वो जो टंग है उस पर डिपेंड नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, वो जो सेंस, मैं अच्छी, अब ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया, बिल्कुल सही है,
कि जीव अगर काट दें तो क्या टेस्ट का पता, मैंने फिर तो ब्रेन पता लगा ही लगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सेंसरी नर्व्स जितने भी होते हैं, तंत्रिका तंत्र जो होता है वो हर जगह बॉडी के हर हिस्से से कनेक्ट होता है, तो हमारे टंग के साथ वो कनेक्ट है। जीव वो सेंस एक तरह से क्या करे, सेंस लेता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सब कुछ पढ़ा था आप लोगों को, याद है ना। तो सेंसरी नर्व्स तो हर जगह होंगे, तंत्रिका तंत्र जो पाइपलाइन होगा जीभ में भी है, टंग में भी है, तो वहां से वो ले करके टेस्ट को ब्रेन को भेजेगा, बस प्रोसेस ब्रेन करेगा कि हुआ क्या, कितना जल्दी है, सेकंडों से भी, सेकंड से एक सेकंड के कुछ हिस्से में भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, हाँ जो लोग खा के देखे और भी तेज काम, देखने से नहीं होता, खाने से। अपने लिए तो मैं खुद नहीं मंगवाया, चार बच्चों ने चैलेंज किया था, उन्होंने बाल खा ले, क्या क्या पूछते हैं। देखिए अब साइंस के नाम पे आप लोग है ना खिचड़ी मत कर दो बेटा, सिलेबस बहुत ज्यादा है, मैं करा दूंगा। A new form of plant resulting from a cross of different varieties of a plant is known as a hybrid. ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, यहां पर उन्होंने दो तरह के मटर के प्लांट को लिया है ना मेंडल ने, और उन्होंने क्या किया उसको क्रॉस कराया, तो इसमें जो नए तरह का जो बीज बना, अब नए तरह का जो एक पौधा आया और उससे जो मटर का फल बना, मटर के फल के अंदर उसके दाने होंगे बीज, वो हाइब्रिड था, उसमें दोनों तरह की खासियत थी। मैं आपको बताता हूं, आप किसी तरह से दो तरह के मटर के प्लांट लो, ठीक है, उसको क्रॉस कराया जाए, मतलब ऐसा कि दोनों मिल करके एक नया बीज या पौधा बनाए, अगर ऐसा हो तो उसमें क्या होगा कि जो अगला प्लांट आएगा उसमें दोनों की खासियत होगी। जैसे हम लोग अपना एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग का जन्म होता है तो कुछ मम्मी के गुण होते हैं, कुछ पापा के गुण होते हैं, है ना, लड़ाई इसी बात पे होती है, जितनी भी खराबी होगी ना मम्मी क्या कहेगी, थारे पे गया था, पापा भी यही कहते हैं, हाँ, और पापा पापा कहेंगे उस पे, ये लड़ाई जीवन भर चलते रहते, ये तो हमारा, और हम लोग कहते हैं हम लोग क्या करें, ये तो जेनेटिक है, पेपर में कम नंबर है, हम लोग क्या करें, आप ही के तो बच्चे हैं। ये साइंस फैला के दिखाइए, फिर देखिए आपका क्या होता है। तो यहां पर देखिए दो तरह की, जैसे मैं आपको एग्जांपल लूं, एक तरह का मान लो कि जो प्लेन इलाका, जैसे कि बिहार यूपी चाहे जो नदी के किनारे वाले इलाके हैं, वहां पर मटर या अगर आप चने की फसल को बोएंगे तो इतनी अच्छी पैदावार होगी कि आप सोच नहीं सकते, बम्पर पैदावार, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन छोटे से इलाके में, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे कीड़े लगने का डर जाता है, लेकिन जो फॉरेस्ट वाला इलाका है, जंगल के आसपास का आदिवासी वाला इलाका है, वहां पर थोड़ा बहुत जो मटर या जो ये सब बोते हैं, तो वहां के पौधे वहां से के कीड़े और उस एटमॉस्फेयर में उस हुमस को झेलने के लायक बन जाते हैं। तो हमने क्या किया, एक फॉरेस्ट वाले इलाके से एक मटर का पौधा लिया और एक इस तरह से रिवर बेड वाला पौधा लिया, और दोनों को लेबोरेटरी में जब क्रॉस कराया और एक जो नया पौधा बना उससे जो बीज निकले वही हाइब्रिड बीज है। अब इस बीज को आप कहीं भी बोएंगे तो ये पैदावार भी ज्यादा देगा और इसमें कीड़े भी कम लगेंगे, यही हाइब्रिड बीज का कॉन्सेप्ट होता है। बेटे तो हाँ, तो मतलब प्रोसेस मतलब पता है क्या पूछ रहे हैं, कि वो डीएनए इंजीनियरिंग की कैसे, तो मैंने बताया नहीं इससे पहले आप लोगों को, तो बस देखेंगे। A new form of plant resulting hybrid. When we breed two pea plants having one contrasting characteristic each or one trait each. दो हमने मटर के पौधे लिए और दोनों में अपना अपना एक गुण हो, ठीक है। To obtain new plant, then it is called a mono hybrid cross. समझ रहे हैं ना, दो pea plant है, दोनों का अपना अपना एक गुण है, और दोनों को क्रॉस कराया गया जो नया पौधा बना तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाएगा। सर अवगुण नहीं आते, अब्दुल अवगुण, अवगुण अवगुण भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं अवगुण। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा अवगुण हाइब्रिड बीज का ये होता है ना कि एक बार आपने हाइब्रिड बीज बो दिए, आपने मटर बोया हाइब्रिड, बहुत अच्छी पैदावार हुई, सब कुछ ठीक था, अब उस फल को तोड़ लो और बीज सुखा करके जैसे बीज कलेक्ट करके रखते हैं, उससे कोई पौधा नहीं अच्छा बनने वाला, ठीक है ना। वो जब भी बीज बनेगा लेबोरेटरी में ही बनेगा, वहीं पे क्रॉस करा के बनाया जाएगा, उस तरह से प्रोडक्शन होता है। यही सब जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो ये हाइब्रिड
जिनको पैदावार चाहिए, नहीं अमीर नहीं, जिनको पैदावार ज्यादा चाहिए तो चाहिए ना उनको। देखिए इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस वी विल स्टडी इन इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स टॉलनेस एंड डॉर्फनेस ऑफ द पी प्लांट बाय देयर फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन प्रोगेनेसी। मैंने बताया था फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड में, सेकेंड से थर्ड में, इस तरह बढ़ता चला जाएगा वो। In the dihybrid cross, we will study the inheritance of two pair of contrasting characteristics, मतलब कि एक दूसरे का अपोजिट। एक लंबा है, टॉलनेस मतलब कि लंबू, डॉर्फनेस मतलब कि गिट्ठा, समझ गए ना? तो कॉन्ट्रास्टिंग, दो अपोजिट। In the hybrid cross, we will study the inheritance of two pair of contrasting characteristics, विपरीत गुण of pea plants such as round yellow seeds and wrinkled green seeds. Mendel's contribution आ रहा है उसमें, rules for the inheritance of traits आ रहा है, लगाया है ना, तो फिर आना है, हाँ तो सुनते जाइए। Inheritance is a transmission of genetically controlled characteristics. Inheritance अनुवांशिकता, ध्यान दीजिएगा, इनहेरिटेंस, कल के कल है ना कार्बन कंपाउंड के, इस पूरे लिख लीजिएगा आप लोग जल्दी से इसको, अगर जो लिख पाए तो ज्यादा अच्छा है, ये ब्लैक लाइन वाले, तब आपका काम हो जाएगा। आपकी हिंदी की समस्या तो ये है ना कि मेरे को एनसीईआरटी ऐप से ही करना पड़ेगा कुछ, हिंदी में है ना आपके पास वो वाला, उससे कर लीजिएगा कुछ, मैं आपकी हेल्प करूंगा, चिंता मत करिए। उसका मैथ्स और ये एसएसटी तो कर ही आप, वो तो कर सकते हैं ना, साइंस कम देखते हैं। इनहेरिटेंस is the transmission of genetically controlled characteristics from one generation to the next. Genetics, जीन के द्वारा, जीन में जो भी गुण होता है वो एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ट्रांसफर करना ही इनहेरिटेंस है, अनुवांशिकता। आपके पापा का गुण आप में आया, आपका गुण फिर आगे जाएगा, ये जो ये जेनरेशन वाइज जो ट्रांसमिशन चल रहा है इसी को इनहेरिटेंस या अनुवांशिकता कहते हैं। मोनो है, अब देखो इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं, अनुवांशिकता के प्रकार। पहला है मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रेशन, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। इसका क्या मतलब है, In order to trace the inheritance in a single pair of contrasting characteristics among the pea, पहले monohybrid क्या होता है बताओ, monohybrid inheritance क्या है, monohybrid क्या होता है, तुम बोलते जी, हम सुन रहे, पीछे परिवार नहीं होता ना, तो जहर खाने की नौबत है। अभी मोनो का मतलब है कि ये दोनों का एक एक गुण होगा, और कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट, ठीक है ना। मोनो हाइब्रिड में क्या होगा कि एक अगर लंबू है तो दूसरा छोटू है, और मोनो मतलब कि सिंगल सिंगल, एक प्लांट का एक ही गुण है कि उसके बीज है, मटर के बीज येलो कलर के हैं, और दूसरे प्लांट का बस एक ही गुण है कि उसका व्रिंकल मतलब कि है ना मुसे मुसे नहीं होते, घूमे घूमे से, उस तरह से ग्रीन कलर के बीज है, ठीक है ना। मोनो हाइब्रिड का मतलब दोनों का एक एक गुण का क्रॉस कराना। मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रेशन का मतलब है, इन ऑर्डर टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि उसमें भी एक गुण होगा, एक में गुण है कि वो लंबू है और दूसरा उसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि भाई छोटा है वो बौना है या ड्वार्फ है, तो ये दो ही हुए। Among the pea plant like tall stem and short stem, Mendel crossed the pure bred pea plants differing in this trait and noted their occurrence in the progeny of succeeding generation. उन्होंने ऐसा ही किया, दो ऐसे पौधे लिए जो अलग अलग गुण के थे, पर एक एक गुण ही उनका अलग था, एक लंबा था स्टेम डाली उसकी लंबी, बड़ी पौधे हो रहे थे और एक छोटे पौधे में ही फल दे रहा था, दोनों को क्रॉस कराया, क्या हुआ, इसको मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रेशन कहते हैं। मेंडल फर्स्ट क्रॉस्ड प्योर ब्रेड टॉल पी प्लांट विद प्योर ब्रेड ड्वार्फ पी प्लांट, ठीक है,
मतलब कि एक लंबे मटर के पौधे को छोटे साइज के ड्वार्फ या नाटे कद के पौधे से क्रॉस कराया एंड फाउंड दैट ओनली टॉल पी प्लांट वर प्रोड्यूस इन द फर्स्ट जनरेशन और F1 कि जब पहला बार जो ग्रो हुआ उससे जो बीज आया दोनों को क्रॉस कराया तो एक नया पौधा बनेगा। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या आया, क्या फर्स्ट जनरेशन में जितने भी अब उससे बीज निकल रहे हैं, पौधे तैयार हो रहे हैं उस बीज से, वो लंबे पौधे निकल रहे हैं। दो पौधे एक लंबा एक छोटा उससे क्रॉस करने पे एक नया जो बना उसमें सारे लंबे लंबे ही आ रहे हैं, उस बीज से पौधा बनाइए तो इस टाइम लंबा ही होगा। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, नहीं अब 7 से 8 का टाइम हो रखा है जी, वो स्कूल खुल गए थे ना बच्चों के। हाँ जी हाँ जी, एक लंबा पौधा था दूसरा छोटे साइज का था, दोनों में क्रॉस करा के जो नया प्लांट बना, अब जो भी प्लांट बन रहे थे क्रॉस करने पे बीज बनेगा, डोमिनेंट हो गया फर्स्ट जेनरेशन में। पहली बार आपने क्रॉस कराया तो इस बार जो जेनरेशन आई है उसमें डोमिनेंट कौन है, टॉल वाला। पहली बार आगे नो ड्वार्फ पी प्लांट और शॉर्ट पी प्लांट वर ऑब्टेंड इन द फर्स्ट जेनरेशन ऑफ प्रोगेनसी। इस क्रॉस कराने में एक भी ऐसा पी का प्लांट नहीं था इस जेनरेशन में जो कि छोटे साइज का हो, केवल लंबे वाले ही पौधे निकल के आ रहे थे। इसमें क्या हुआ, फ्रॉम दिस मेथड कंक्लूडेड दैट द फर्स्ट जेनरेशन शोड द ट्रेट ऑफ ओनली वन ऑफ अ पेरेंट प्लांट टॉलनेस, द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट प्लांट ऑफ डिड नॉट शो अप इन द प्रोगेनसी ऑफ फर्स्ट जेनरेशन। तो यहां पर हमें अभी इंसानों से नहीं जोड़ना, अभी इसी पे चलते हैं, ठीक है ना, आगे खुद क्लियर हो जाएगा। यहां पर फर्स्ट जनरेशन में केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को आया, हमने क्रॉस कराया तो दोनों के गुण दिखने चाहिए थे ना, लेकिन गुण केवल एक का ही दिख रहा है टॉल प्लांट का फर्स्ट जनरेशन में, दूसरे का नहीं दिख रहा, क्योंकि वो डोमिनेंट है। बिल्कुल। दूसरा, मॉडल देन क्रॉस द टॉल पी प्लांट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। अब क्या किया गया, हमने टॉल और शॉर्ट प्लांट को क्रॉस कराया, एक फर्स्ट जनरेशन का प्लांट मिला। बेशक इस फर्स्ट जनरेशन वाले पी प्लांट में सारे पौधे टॉल है, तो हमने दूसरा मेथड अपनाया। अब हम ड्वार्फ वाला जो बिल्कुल क्लियर जो ड्वार्फ था ना उसको भूल गए, चलो भाई तुम हटो। अब जो न्यू जनरेशन का एक नया हाइब्रिड जो पौधा आया है उसको और जो डोमिनेंट था टॉल वाला ओरिजिनल उसको क्रॉस फिर से कराते हैं। समझ में आई बात आप लोग को, आई समझ में? अब क्या हुआ, टॉल पी प्लांट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन एंड फाउंड दैट टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट वर ऑब्टेंड इन द सेकेंड जनरेशन। यहां एक प्रॉब्लम हो गई, अब जो सेकेंड जेनरेशन इसके बाद बनी, समझ रहे हैं सेकेंड जेनरेशन कैसे बनेगी, इसमें कुछ टॉल भी हो रहे हैं और कुछ फर्स्ट जेनरेशन वाले टाइप के भी हो रहे हैं, ठीक है। डैड फिर से मैं समझाता हूं, छोटे भी हैं मतलब, हाँ मैं फिर समझा रहा हूँ। फर्स्ट जेनरेशन एंड फाउंड दैट टॉल प्लांट्स एंड ड्वार्फ प्लांट्स वर ऑब्टेन इन द सेकेंड जेनरेशन, इसमें छोटे और बड़े दोनों बन रहे हैं। सौ में 75 तो अभी भी टॉल बन रहे हैं लेकिन 25 अभी भी छोटे बन रहे हैं, क्लियर है। मेंडल नोटेड दैट द ड्वार्फ ट्रेट ऑफ द पेरेंट पी प्लांट विच हैड सीमिंगली डिसअपीयर्ड इन द फर्स्ट जेनरेशन प्रोगेनसी रीअपीयर्ड इन द सेकेंड जेनरेशन। जो पहले वाले में छोटे साइज वाला जितना था गायब हो गया था लेकिन सेकेंड जेनरेशन में आया, कम ही आया लेकिन आया, अपीयर हुआ। पानी का बोतल है उधर, क्या मजा वाला मेरा ही है। बारह बजे से बोल बोल के ना गला फंस गया मेरा भाई, चिल्ला चिल्ला। भगवान तुम लोग को कलेक्टर बनाया, डॉक्टर बनाया, साइंटिस्ट बनाया, ऐसा है ना घसीटू मास्टर ना बनाया।
ध्यान दे बेटा इधर, बिल्कुल फालतू टाइम नहीं हम लोग पास। मेंड देखेंगे, इट वॉज मियरली कंसील्ड और सप्रेस्ड इन द फर्स्ट जेनरेशन टू री इमर्ज इन द सेकेंड जेनरेशन। मेंडल कॉल्ड द रिप्रेस्ड ट्रेट ऑफ ड्वार्फनेस और रिसेसिव ट्रेट एंड द एक्सप्रेस ट्रेट इज ऑफ टॉलनेस आर द एज द डोमिनेंट ट्रेट। बिल्कुल क्लियर है। पहले में ड्वार्फ और मैंने लंबू और छोटू को क्रॉस कराया गया तो फर्स्ट जेनरेशन है, उसमें केवल टॉल था। दूसरे में क्या किया गया, जो नया जेनरेशन एक आया था फर्स्ट जेनरेशन, उसको और लंबू को क्रॉस कराया गया, तो इसमें क्या हुआ, 100 में से 75 लंबू आए लेकिन 25 छोटू भी है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ज्यादा ताकत कौन दिखा रहा है, लंबा वाला, तो डोमिनेंट जो ट्रेट हो गया वो लंबू हो गया। छोटू भी रहेगा लेकिन वो थोड़ा रिसेसिव, मतलब कम अपना गुण दिखाएगा। क्लियर है। ये सबसे पहले मटर पे ही अनुवांशिकता की खोज की गई थी। ग्रोगर मेंडल जो है ना, उन्होंने सबसे पहले पी प्लांट पे ही स्टार्ट किया, उसके बाद यही चीज रिसर्च इंसानों के ऊपर बात में, सबसे पहले पी प्लांट पे ही हुआ था। क्लियर है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी बहुत इतना शौक है ना कि आपको चारों का चारों, तीनों का तीनों भी एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ा है, लेकिन मजबूरी है कि फेल हो जाएंगे अगर पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। बेटे आओ, हमें पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, अभी 9th क्लास जो आएगा हम शुरू से पढ़ाएंगे, आप लोग वहां बैठ सकते हैं। In this way, Mendel's experiment will tall and dwarf pea plants so that the trait may be dominant or recessive. इससे पता चल गया कि जो गुण होंगे, trait मतलब गुण, एक जीन का जो गुण होगा या तो वो dominant होगा या तो एकदम सबसे आगे एकदम बाहुबली की तरह आएगा, और नहीं तो कुछ कटप्पा भी रह जाएंगे। Recessive मतलब कटप्पा। चलिए आगे चलते हैं। थ्री रेशियो वन जो था ना, याद रखिएगा, द रेशियो 3:1 इज नोन एज द मोनोहाइब्रिड रेशियो। इसको ग्रोगर मेंडल ने क्या बताया कि मोनोहाइब्रिड रेशियो बोल दिया, मटर के ऊपर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। चलिए, तो मोनोहाइब्रिड क्या था आपको समझ में आया, अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से, सुनते जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग को बोर तो नहीं हो रहे होंगे बिल्कुल। मेंडल सेड दैट ईच ट्रेट इज डिटरमाइंड बाय द पेयर ऑफ फैक्टर। जितने भी गुण होंगे इंसान में या लिविंग बींग, किसी भी लिविंग बींग के, वो पेड़ हो सकते हैं नहीं तो जानवर हो सकते हैं, क्लियर है, उसके अंदर जो भी गुण आएगा वो पेयर ऑफ फैक्टर के कारण आएगा। अकेला कोई नहीं होता, पेयर ऑफ फैक्टर होना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। दिस मीन दैट द प्योर ब्रेड टॉल पी प्लांट has two factors, TT for the trait of tallness, and the purebred dwarf pea plant also has two factor, it for the trait of dwarfness. दो उसमें होंगे, factor में होंगे। The factor of inheritance of tallness TT, capital T, separate into two gametes T and T. दो बड़ा T है, उसको अलग अलग करेंगे तो एक T इधर and the factor for inheritance of dwarfness small double t separate into two other gametes ek small t idhar ek small t usko alag alag kar sakte hain dhyan de board pe dekhiye jo likh ke laya to wahi bata ऊपर का गया ऊपर का कुर्ता फट गया अपने पास रखी फर्रे नहीं है बना लिया मैं बुक लेके जा सकता ये किससे खोल सकता हूँ इसको लाइब्रेरी से मास्टर का खोसा है तो मैं रख लूँ